गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर अलका जावला, आपकी फैशन थ्योरी टीचर। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फैशन थ्योरी में, फैशन के सिद्धांत। फैशन के सिद्धांत फैशन की पहचान आंदोलन नवीन है। हालांकि फैशन बदलता रहता है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं बदलते हैं। वे फैशन की रुझान भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। फैशन के मूल सिद्धांत हैं जैसे शैली की पेशकश की। फैशन डिज़ाइनरों उत्पादकों का खुदरा विक्रेता द्वारा नहीं बनाया जाता, अतः उपभोक्ता व ग्राहक हैं जो फैशन बनाते हैं। मतलब फैशन डिज़ाइनर उत्पादक, मतलब फैशन जो है वो ज़रूरी डिज़ाइनरों के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, ग्राहकों के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो बनाते हैं फैशन को, ठीक है। ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं को संरक्षण व संभाव खरीदार होता है। एक खुदरा मतलब एक रुचि स्टोर ड्रेस खरीदार एक ड्रेस निर्माता का ग्राहक होता है, और ड्रेस निर्माता एक कपड़े निर्माता का ग्राहक होता है। उपभोक्ता अंतिम उपयोगकर्ता है। जो व्यक्ति तैयार फैशन परिधान का उपयोग करता है वह उपभोक्ता है। डिज़ाइनर प्रत्येक सीजन से सैकड़ों नई शैलियाँ बनाते हैं। मतलब जो होता है वह एक ही सोच हमें, मतलब सैकड़ों, मतलब बहुत तरीके की क्रिएटिविटी डिज़ाइनर, मतलब एक डिज़ाइन करते करते हम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं कि हम ये भी कर सकते हैं भी, लेकिन सारी चीज़ें हम उस डिज़ाइन पर नहीं लगा सकते। मतलब हम उसके लिए हम एक डिज़ाइन को तैयार करते करते दूसरा डिज़ाइन भी सोच लेते हैं और दूसरे ड्रेस का डिज़ाइन तैयार कर देते हैं। जो व्यक्ति तैयार फैशन परिधान का उपयोग करता है वह उपभोक्ता और डिज़ाइनर प्रत्येक जन वही चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि सफलता होगा। खुदरा विक्रेता निम्रता में उन शैलियों का चयन करते हैं जो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें ग्राहक चाहेंगे। उपभोक्ता वह महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं जो कुछ शैलियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों को अस्वीकार करते हैं। वे और केवल तय करते हैं कि कौन कौन सी शैलियाँ फैशन बन जाएंगी। मतलब जो आपने देखा, जो फैशन डिज़ाइनर वाले जो लोग होते हैं वो भी अपना एक, मतलब मार्केटिंग का एक कस्टमर अपना रखते हैं जो वो बता सकते हैं कि मतलब हमारे ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या मार्केट में फैशन के तौर पे आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ें उनको, मतलब उनको गाइड करता है। एक डिज़ाइनर अपना डिज़ाइन बना सकता है, लेकिन यह फैशन के तौर पे मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा ये हमें एक मार्केटिंग कस्टमर ही बता सकता है, ठीक है। तो ये लोग मतलब अपना मार्केट में अपना उतार कर रखते हैं, मतलब कस्टमर को, मतलब ठीक है, मार्केटिंग वर्कर एक रखते हैं ये लोग, ठीक है। फैशन कीमत पर आधारित नहीं है। आइटम पर मूल्य, मतलब एक फैशन ना कीमत पर आधारित नहीं है। वह उस चीज़ को देखेगा कि उसकी कीमत क्या है, आइटम को देखेगा क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। आइटम वर्तमान में फैशन में है या नहीं वह वो देखेगा। मतलब कीमत को भले एक 1000 रुपये की चीज़ है लेकिन वो फैशन, या फिर 100 रुपये की चीज़ है लेकिन वो फैशन में नहीं है तो, और एक 200 रुपये की चीज़ है लेकिन वो फैशन में है तो वो 200 रुपये की चीज़ लेना पसंद करेगा, क्योंकि वह फैशन के उसमें डिमांड, उसकी डिमांड है, ठीक है। हालांकि नई शैलियाँ तो अतः फैशनेबल बन जा सकती हैं, उच्च कीमतों पर पेश की जाती हैं। वह यह उस समय की तुलना में कम है जब यह प्रकार की कीमत अन्य प्रकार की कीमतों में उपलब्ध कराया जा सकता था। ऐसा लगता है कि वे अधिक उपभोक्ता अपील करते हैं। कुछ कस्टमर मेड हाथ से सिलने वाले पट्टियों के लिए 6000 पाउंड से अधिक की कीमत पर प्रेस फेशक शैलीवंश की जाती है, जो सप्ताह बाद स्टोर उस शैली की रेडी टू यूवेयर पट्टियों की विस्तृत श्रृंखला को मूल्य श्रृंखला की पेशकश कर सकते हैं। कपड़े पर आधार और कारीगरी अलग होगी, लेकिन शैलियाँ अन्य अनिवार्य रूप से एक जैसी ही होती दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। फैशन की प्रकृति में विकास सावधानी। फैशन प्रकृति में विकास है। इस इतिहास के माध्यम से उन्हें फैशन शैलियों से बहुत कम कीर्तियाँ की, इनमें से एक तय किया गया है कि मतलब जो शैलियाँ होती हैं उनमें एक चीज़ें यह भी तय कर की गई हैं कि इतिहास में, मतलब हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन चीज़ों को हम माइंड में रखकर सब चीज़ें, मतलब सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक, मतलब एक डिज़ाइन हम
बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। 21वीं शताब्दी में फ्रांसी क्रांति के बारे में फैशन रातों रात विशाल फुल स्कर्ट में कला नियमों में बदल गया। मतलब रातों रात, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप, मतलब बहुत जल्दी उन्होंने तरक्की करी। ठीक है, और एक विद्रोही परिवर्तन जब हुआ जब डायर के नए रूप में पतले छोटे मर्दना सुलहाट को कमर पर इकट्ठा होने वाली एक नई ड्रेस उन्होंने स्कर्ट मतलब उन्होंने बनाई। ठीक है, सेल्स प्रमोशन से फैशन की दिशा नहीं बदल सकती। मतलब एक अगर मतलब आप ये मान सकते हो हमारा किसी चीज़ में प्रमोशन हो गया है, मर्चेंडाइज में ऊपर हम थोड़े हेड बन गए, तो उससे हमारा फैशन चेंज नहीं, मतलब हमारा एक आप मतलब उसमें बदलाव नहीं आ सकता, मतलब फैशन की दिशा में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये नहीं होता कि मतलब अब वो एक अलग डिज़ाइनर बन गए, नहीं नहीं ये सब ऐसा नहीं होता है। डिज़ाइनिंग करना ये सब चीज़ें हमारे हम अपने माइंड में सेट करते हैं, मतलब डिज़ाइनर हमारी सोच से आती है ना कि हमारी पोस्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होगी इसमें। उत्पादों का खुदरा विक्रेताओं की ओर से विज्ञापन, फैशन शो, विंडो डिस्प्ले जैसे प्रचार प्रयास ग्राहकों का क्या क्या चाहते हैं या निर्धारित नहीं कर सकते, न ही लोगों को जो वे नहीं जान चाहते हैं उसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम अगर हम किसी हमारा ग्राहक मतलब स्कर्ट लेने आया है और हम उनको ये देना चाहते हैं कि वो बेल्ट बॉटम ले ले, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनका जो मन होगा वो वही खरीदेंगे। ठीक है ना, ऐसा उन पर हम फोर्स नहीं कर सकते कि ये बेल्ट बॉटम अभी चल रही है क्रेज़ में आप इसको लो, ऐसा नहीं है। हम ग्राहक पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते हैं। ठीक है, यह निर्धारित नहीं कर सकते, न ही वे लोगों को जो वे नहीं चाहते उसे खरीदने पर मजबूर कर सकते। मतलब एक डिज़ाइनर भी लोगों को खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकता कि उसने यह डिज़ाइनर चीज़ें आप इसको लो, तो हम ग्राहक को मजबूर नहीं कर सकते, ना ही एक डिज़ाइनर ग्राहक को मजबूर कर सकता है कि वो उसको खरीदे। ठीक है, शैली को बाजार या निकासी बिक्री होती है, जब उस शैली को बिक्री दुकानों में गिरावट शुरू होती है तो उन्हें नए स्टाइल के जब मतलब एक आपने देखा होगा जब किसी चीज़ पर गिरावट स्टार्ट होती है, अभी जैसे बेल बॉटम चल एक मतलब एक मैं आपको एक चीज़ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान के चलो बेल बॉटम चल रही है हमें, तो लेकिन इसका एक टाइम आएगा कि तब तक चलेगी, फिर इसकी गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, कुछ नया डिज़ाइनर कुछ नया लुक निकालेंगे तो इसकी गिरावट स्टार्ट हो जाएगी और कुछ नया मार्केट में आ जाएगा जिसको हम खरीदने के लिए उत्साहित रहेंगे, प्रशंसित रहेंगे उसे खरीदने के लिए। तो मतलब कोई मतलब फैशन एक चीज़ पर टिका हुआ नहीं होता है, मतलब उसमें बदलाव आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं हमारे इसमें। सो मतलब हम एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए हमारे एक पोस्ट वैल्यू नहीं करती है, वो हमारे माइंड से हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम क्या डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, क्या क्रिएटिव कर रहे हैं, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है, ना कि एक पोस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आज का हम ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और गाइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे वर्ड या टॉपिक समझ नहीं आता है, प्लीज़ आप उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और जब मैं जूम क्लास लेती हूँ तो आप मुझसे उसमें डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।